नमस्कार, द रूस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 5000 सब्सक्राइबर्स आज हमारे हो चुके हैं, जिसके लिए द रूस्ट न्यूज की पूरी टीम आपका अभिनंदन और धन्यवाद करती है। पीयूष मानोस जिनको मिली है बेल और उसके साथ जिनको अरेस्ट किया गया था, जिनका नाम है मंसूर अली खान, उनको अभी भी रहना पड़ेगा जेल में। आखिर कौन है ये पीयूष मानोस और मंसूर अली खान, और मैं आपको इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ? ये भी हमारे देश के बाशिंदे हैं जो लड़ रहे हैं किसानों के लिए, तमिलनाडु के किसानों के लिए। पीयूष मानोस जो हैं एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो कई सालों से प्रकृति के लिए लड़ रहे हैं सरकारों से। यहाँ पे जितने भी पेड़ कट रहे हैं, खेत खलियान उजड़ रहे हैं, तालाब मिटाए जा रहे हैं, इन सब के खिलाफ ये लड़ते रहते हैं। फरवरी के महीने में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नितिन गडकरी और ईपीएस ओपीएस की टी खेमे के तरफ से, कि यहाँ पर जो है तमिलनाडु पर एक 8 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है, उस दिन से आज तक ये लोग लगातार सरकार से सवाल पूछते आ रहे हैं। जब पीयूष मानोस बाहर आए, उनका ये कहना था, जो जेल के अधिकारी हैं, तकरीबन 30 लोगों ने लात घूसों से उनकी पिटाई करी, उनको बहुत मारा, रोते बिलखते पीयूष मानोस ने जब ये कहानी, अपनी दुख भरी कहानी लोगों को बताई, तो पूरा जो वहाँ पे जितने भी लोग थे सबकी आंखें नम हो गईं। सेलम चेन्नई जो कॉरिडोर है ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर में आता है, जिसके खिलाफ खड़े होने की वजह से पीयूष मानोस, वलरमती, मंसूर अली खान और किसान के कई परिवारों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया है। तमिलनाडु की पूरी जनता इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि इस सड़क की अभी ज़रूरत नहीं है, वो भी इस तर्ज पर जब हजारों एकड़ की ज़मीन यानी किसान की ज़मीन छीनी जा रही हो। जब ये सवाल सरकार से, यहाँ की सरकार से जब पूछा जाता है, तो यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों का ही ये जवाब है, इस सड़क का फ़ायदा जो है आपको अभी नहीं दिखेगा, ये 15 साल बाद दिखेगा। हमारा आप दोनों से ये कहना है कि आज का जो किसान मर जाएगा, आज की जो जनता उजड़ जाएगी, 15 साल किसने देखा है? आज अगर इनकी रोटी छिन रही है तो 15 साल बाद आने वाले फ़ायदे के लिए ये अपनी ज़मीन, अपनी ज़िंदगी को क्यों दाव पर लगाएं? ये वो किसान हैं जो दिन रात धूप में सड़ते हैं, धूप में काम करते हैं और अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। ये वो ज़मीन का बेल्ट है जिसमें कावेरी का पानी सबसे पहले आता है। ये वो ज़मीन है जो तमिलनाडु के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में से एक है। ये वो ज़मीन है जहाँ पर 12 मासी फसल उगती है। ये वो ज़मीन है जहाँ पर तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा किसान वर्ग अपना जीवन व्यापन करता है। ये वो ज़मीन है जिसके अनाज से पूरा तमिलनाडु आज खुशहाल है। आप उसी जड़ को काट देंगे, आप उसी किसान को रौंद देंगे, तो शायद ये बीहड़ बनने के, यानी ये जो तमिलनाडु स्टेट है, ये बीहड़ बनने से ज़्यादा दूर नहीं नज़र आता है। हम कुछ एक आंकड़ों के ज़रिए आपको बताते हैं आखिर नुकसान कितना बड़ा नुकसान है। ये जो पूरी सड़क की लंबाई है ये 275 किलोमीटर है। नुकसान यहाँ पर क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा पेड़ कटने वाले हैं। 8000 एकड़ से भी ज़्यादा की जो ज़मीन है वो यहाँ से मिट जाएगी, चली जाएगी। इसके अलावा 8 पहाड़ यहाँ पे काट दिए जाएंगे। 16 से भी ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट यानी जंगल यहाँ से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखें, खेत खलियान, घर, स्कूल, तालाब, कुएं, नदी, नाले, ये सब नष्ट हो जाएंगे, ये सब चले जाएंगे, कहानियों में रहेंगे, और वो जो कहानी सुनाने वाला व्यक्ति है, जो किसान है, वो भी वहाँ से चला जा चुका होगा। क्या इसको देश की प्रगति कहते हैं? देश की प्रगति क्या तभी होती है जब इंडस्ट्रीज आती हैं? क्या देश की प्रगति तभी होती है जब एक्सप्रेस हाईवे किसी देश में आते हैं? क्या किसानों की प्रगति नहीं होती है? क्या इतने घरों का पेट जब भरता है एक ज़मीन का टुकड़ा, क्या उसको प्रगति नहीं कहते हैं? क्या सड़कों से प्रगति आप दिखाना चाहते हैं? क्या इंडस्ट्रीस्ट के आगे किसान को मजदूर बनाने को आप प्रगति कहते हैं? उन लोगों की ज़मीनों को छीन कर क्या आप प्रगति दिखाना चाहते हैं? क्या ये सही है? हम केंद्र की सरकार और यहाँ पे जो स्टेट की सरकार है यानी तमिलनाडु की सरकार, दोनों से ही ये सवाल पूछते हैं, क्या ये प्रगति है?
10,000 करोड़ रुपए का आप हिसाब बताते हैं, उसका सही हिसाब आज तक नहीं दिया है। इसी वजह से इन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि आप हमें जवाब दें इन तमाम चीज़ों का। आखिर यहाँ से किसानों को हटाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? क्या ये नदी नाले, क्या ये पहाड़ आप दोबारा से लेके आ सकते हैं? सड़क कहीं पर भी बन सकती है, क्या पहाड़ दोबारा से बन सकते हैं? क्या वो नदी नाले दोबारा से बन सकते हैं? जब इन सब सवालों को इनको पूछा जाता है, इनके पास जवाब नहीं होता है और हमारा मुंह बंद करने के लिए ये हथकंडा अपनाते हैं पुलिस का और आपको जेल में भेज दिया जाता है। क्या इस तरह की अंधेरगर्दी इस प्रांत में जो हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कल को ये आपके प्रदेश में भी होगी? जब क्या आपको नहीं लगता क्या जब आपके घरों को छीना जाएगा, आपके नदी नालों को छीना जाएगा और आप जब आवाज़ उठाएंगे तो इसी तरह से वहाँ पर भी आपको दबाया नहीं जाएगा? हम यहाँ के कुछ किसानों से मिले, उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उनका दुख दर्द देखते बनता था। उनका ये कहना था कि जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसी ज़मीन पर बसे आ रहे थे, अचानक से हमारे ऊपर एक कहर सा टूट गया है। ये मेरा घर है जो मैंने पिछले साल बनाया था, ये मेरे बच्चे हैं जो यहीं पे आसपास खेलते हैं, मैं यहाँ पे खेला हूँ, पला बड़ा हूँ, ये मेरी नदी है, ये मेरी नाले है, ये मेरी गाय है, ये मेरी बकरी है, और ये सब चला जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। हमें यही नहीं पता आखिर ये लोग हमें कहाँ ले जाके दोबारा से बसाएंगे। क्या अगर ये बसा भी देंगे तो ये पहाड़, ये नदी नाले हमें दोबारा मिल पाएंगे? यकीनन नहीं मिल पाएंगे। एक और परिवार से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था, अगर ये सरकार हमारी ज़मीन ले लेती है, हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या सरकार तब जागेगी जैसे स्टेरलाइट के मसले पर 13 से ज़्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया गया था? इतने लोगों के सड़कों पर आने के बाद सरकार ने यह कहा था कि अब हम स्टेरलाइट को बंद करेंगे। स्टेरलाइट कंपनी यानी वेदांता की हिमाकत आप देखें, एक महीना ही गुजरा है और अब वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं ये कह के कि हमें दोबारा से स्टेरलाइट कंपनी खोलने का इजाज़त मिल जाना चाहिए। यानी सरकार जो है वो ऐसे सख्त कदम उठा ही नहीं पा रही है जो उसको उठाना चाहिए। साफ तौर पर ये दिखता है कि जो तमिलनाडु की सरकार है, ये बीजेपी ने उसको अपनी गोद में उठा के बिठा लिया है और वो जैसा चाह रही है वैसे ही तमिलनाडु की सरकार जो है नाच रही है। इतने लाखों किसानों को ज़मीन पर लाकर, इतने लाखों किसानों की रोज़ी रोटी को छीन कर, क्या आपको लगता है कि इस सड़क का बनना सही है? जब 3 और रास्ते सेलम जाने के लिए हैं, जो तमाम रास्ते 4 से 6 लेन हाईवेज हैं, 8 जहाँ पे पहाड़ हम गवा देंगे, 8,000 से भी ज़्यादा एकड़ की ज़मीन हम गवा देंगे, इतने लाखों किसानों की रोजी रोटी छीन लेंगे, 16 से भी ज़्यादा जो थिक फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। तमाम चीज़ों के भी ऊपर अगर आप देखें, जो एक नदी का बहाव है जिसको कावेरी कहते हैं, उसके निकट जितने भी जो फार्मर्स रहते हैं, उन तमाम फार्मर्स को हम नष्ट कर देंगे। क्या इन तमाम चीज़ों के बाद भी आपको लगता है कि हमारे देश को और इस जगह पर एक्सप्रेस हाईवे की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स पे कृपया करके हाँ या ना में जवाब दें। क्या आप किसानों के हित पे खड़े होना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के हित पर खड़े होना चाहते हैं? और इस तर्ज पर जब आपको सब कुछ गवा देना पड़ेगा, बने रहे हमारे साथ द रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।